जी अब्दुल्ला अपने शूज़ पॉलिश खुद ही कर रहा है आज, और मैंने इनके आलू वाले पराठे भी बना दिए हैं और साथ दही रख दिया है। अभी आलू वाले पराठे खाएंगे। आज इनका फिर पेपर है और इन्होंने जाना है, जल्दी करो। ये देखिए जी हमारी बिल्ली भी तैयार हो गई है, हमारी बिल्ली गुस्से से बैठी हुई है आज। बिल्ली प्लीज चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ अब सब ठीक होंगे। अब्दुल्ला हदी को स्कूल छोड़ा, दही लिया। अब्दुल्ला हदी ने कुछ चीज़ें लेनी थी, पेंसिलें वगैरह वो ली। अब मैं बनाने लगी हूँ हैदर के लिए नाश्ता, दही भी ले आए हैं। तो मैंने कहा चले मैं हैदर को भी आलू वाले पराठे बना के देती हूँ। अब्दुल्ला हदी भी आलू वाले पराठे खा के गए, तो चले जी जल्दी से मैं हैदर का भी नाश्ता रेडी कर दूँ। आज हैदर ने भाई के साथ कहीं जाना है तो कहते हैं मुझे पहले ही नाश्ता बना दो। तो भाई ने भी आज छुट्टी की है हैदर के लिए, तो फिर इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी से काम आलू छीलूँ, मैंने कहा फिर मैं आलू वाले पराठे तैयार कर दूँ। चलें जी, आलू रात को मैंने उबाइल किए थे तो मैंने कहा अब्दुल्ला हद ने सुबह नाश्ता करना है। चले जी आलू छीले, अब मैं इनको मिक्स कर मैश बनाती हूँ। ये देखिए जी इसमें मैंने डाला धनिया, हरी मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, और अब मैं इसका मैश बना रही हूँ। मैं हैदर के लिए रोटी बनाती हूँ। शुक्र है हैदर कुछ ठीक हुए, बड़ी टेंशन थी मुझे हैदर की। मुझे हैदर ने कुछ बातें ऐसी बताई जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को फिर भी जब्त किया और हैदर के साथ बहुत भाग दौड़ लगाई रखी। कभी कहीं लेके जा रही हूँ, बापटा हॉस्पिटल लेके गई, फिर मैं हैदर को अजीज फातमा लेके गई। 10 दिन हम सिविल हॉस्पिटल जाते रहे, वहाँ से फिर मैंने हैदर की रिपोर्ट तैयार करवाई। तो सब कहते हैं बड़ी मुश्किल ये काम है, तो आपने कैसे कर लिया? मैं सुबह 7 बजे बच्चों को भी नहीं, स्कूल जाते थे 7 बजे निकल जाती थी घर से, तो मैं 3-4 बजे वापस आती थी। बस मुझे ये होता था कि हमारा काम जल्दी से हो जाए। हम डेली जाते रहे, वो जब बुलाते रहे हम जाते रहे। चले जी अब मैं आलू वाले पराठे तैयार करती हूँ। मैश ये देखिए जी मेरा मैश बन के रेडी हो गया। चले जी मैंने कहा मैं दही जो लाई हूँ वो भी निकाल लूँ, तो डिब्बे में डाल देती हूँ बिस्मिल्लाह। चले जी दही भी निकाल लिया, तो हैदर ब्रश कर ले तो मैं हैदर की रोटी बना दूँ। चले जी चाय भी मैंने साथ ही रख दी है, मैंने कहा साथ चाय बना दूँ। चले जी ये देखिए जी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया, आलू वाले पराठे बन के रेडी हो गए, साथ दही दी। हैदर को चाय बनाई है, अब हैदर बैठ के नाश्ता करने लगे हैं। चले जी के जी नाश्ता कर लिया है, अब इधर बैठे हुए मोबाइल लेके तो मैं चाय पी रही हूँ। अब मैं बर्तन उठाऊँ और काम शुरू करूँ अपने। चले जी चले गए हैं, तो मैंने कहा चले मैं कमरे का खलाड़ा समेटती हूँ, फिर बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ। अब्दुल्ला दी ने 12 बजे आ जाना, 11 बज चुकी है, तो पहले मैं सारे घर का खलाड़ा समेट लेती हूँ, फिर अपने और दुल्ला लोगों के कपड़े प्रेस करती हूँ। चलें जी मैं ये सारी चीज़ें समेट लूँ जी, कपड़े भी प्रेस हो गए मेरे, तो अब मैं करने लगी हूँ घर का काम शुरू। देखिए जी सारा काम भी ख़त्म हो गया और कपड़े भी प्रेस हो गए,
बर्तन भी धुल गए। तो अब मैं फ्रेश हो के 11:30 हो गए, 12 बजे अब्दुल्ला हदी को लेके आना है। तो मैंने कहा मैं उतनी देर फ्रेश हो जाती हूँ फिर जाके अब्दुल्ला हदी को ले आती हूँ। चले जी मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर जाके अब्दुल्ला हदी को ले आती हूँ। काम तो हमारा ख़त्म हो गया। ये देखिए जी मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, सफाई भी होगी, सारा काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं अब्दुल्ला हदी को लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जी मैं अब्दुल्ला हदी को ले आऊँ। बड़ी मुश्किल दोबारा रूटीन शुरू हुई है, बड़ा टाइम लगा, 10-15 दिन लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपनी रूटीन पे तो आए। तो हैदर अब गए हुए हैं ज़रा काम, तो वो कहते तुम जाके बच्चों को ले आना। तो चले अब हम चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो चले जी अब्दुल्ला हदी को जाके ले आते हैं, सारे घर का काम ख़त्म हो गया। चले जी अब्दुल्ला हदी को स्कूल से ले आई हूँ। हाँ मैं इनको कपड़े चेंज करने लगी हूँ। देखिए जी इन दोनों को मैंने नहला दिया, इनको ठंड लग रही, कंबल में लेट गए अब। तो अब कार्टून देख रहे हैं, मैंने कहा अब लेट जाओ कंबल लेके। तो अब 12:30 हो गए, फिर मैं इनको कुछ बना के देती हूँ खाने के लिए। चले जी अब्दुल्ला हदी को अंडा पराठा मैंने बना दिया, कारी साहब भी आ गए इनको बनाने के लिए। अब ये खाना खा के कारी साहब उधर वेट कर रहे हैं इनका। अपने लिए भी मैंने रोटी बनाई दाल गर्म की, साथ अंडा बनाया, चाय बनाई। मैंने कहा चलो मैं भी साथ ही इनके खाना खा लेती हूँ दोपहर का। तो चले जी अब्दुल्ला हदी अब सपारा पढ़ लेते हैं, फिर इनका अकेडमी टाइम हो जाना है। जी अब्दुल्ला हदी अब अकेडमी जा रहे हैं। तो उधर हैदर की कॉल भी आ गई मुझे, मैं हैदर की पहले कॉल सुन लूँ। चले जी मेरी हैदर से बात भी हो गई है, मैं अब्दुल्ला हदी चले गए अकेडमी और हैदर आ रहे, मैंने उनके साथ कहीं जाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हैदर कहते तुम आ जाओ नीचे मैं आ रहा हूँ। तो अब मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखे और मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।